नमस्कार बच्चों, मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल फिजिक्स से प्यार करो। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया, मस्त एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। चलिए, जैसा कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नीट फिजिक्स, मीन्स डेट पर्टिकुलर चैनल नीट के बच्चों के लिए है, और बाकी तो चैनल में सब कुछ ही चलता है। सर, आप एक वीडियो बनाए थे, कुछ बता रहे थे उसमें कि क्या बता रहे थे सर? चलिए तो बात करते हैं नीट फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट, काइनेमैटिक्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स के लेक्चर। देखिए, मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेस, मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके नीट पूछे जाते हैं। और ये वीडियो आपके लिए वेरी 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 हेल्पफुल वीडियो, आप इसको जब पढ़ेंगे देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल किस प्रकार है। तो ये काइनेमैटिक्स का लेक्चर फर्स्ट है। देखिए, हर लेक्चर में मैं कुछ ना कुछ आपको नया बताने की कोशिश करूंगा। और बेटा, हमारा यहाँ मकसद ये नहीं है कि आपको कुछ सिखाना, आप सीखे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं और आपको आता है लेकिन आप चाहते हैं कि किसी क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे करें, कम से कम समय में किसी क्वेश्चन को कैसे करें, तो वो अप्रोच मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। काइनेमैटिक्स जितने लेक्चर होंगे बिल्कुल अलग वीडियो, आप लोग देखते होंगे यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर हैं, तो आप कहीं भी से पढ़ सकते हैं कोई भी टॉपिक, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन आपके सामने दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग, जो हम लोग जनरली 3 से 4 मिनट लगाते हैं, उसी क्वेश्चन को कैसे हम लोग मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोच मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा, यही इसी अप्रोच के साथ आपको अपने एग्जाम को में भी इसको फॉलो करना है। ठीक, तो ये बिल्कुल अलग वीडियो है, आपको ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। तो दिस काइनेमैटिक्स, दिस फिजिक्स नीट इज़ वेरी यूनिक फॉर एवरीवन। ठीक, तो प्लीज़ आप देखिएगा बहुत ध्यान से। चलिए, आज मैं जो छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन टी सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन टीएथ सेकेंड। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए आज मैंने ये टॉपिक लिया है। तो टॉपिक का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट, बहुत ध्यान सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड। देखिए, दोनों का मतलब अलग अलग है, डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड। देखिए, मैं आपके लिए जो भी अच्छी अच्छी कोचिंगें हैं मानी जानी, उनके मॉड्यूल का भी सलूशन मैं आपको यही कराऊंगा और उसको बताऊंगा कैसे हम कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मानी जानी कोचिंगें होंगी, PW हो गया, LL हो गया, ठीक है, आपके प्रयागराज में जो भी कोचिंगें होंगी उसको मॉड्यूल को हम सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट टी सेकंड और डिस्प्लेसमेंट टीएथ सेकंड, दोनों में अंतर है। देखो, टी सेकंड मतलब क्या होता है, देखिए बच्चा, मैं जैसे कहता हूँ कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड, तो आप क्या कहोगे, सर 0 से 5 सेकंड तक कितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसकी बात की जा रही है। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं एक सेकेंड, अगर हम आपसे कहते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 5th सेकंड, तो दोनों में अंतर है। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 5 सेकंड का मतलब 0 से 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 5th सेकंड, तो इसका मतलब कुछ और, इसका मतलब क्या है सर? जैसे आप 0 से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है, 4 सेकंड और ये 5th सेकंड, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5th सेकंड कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड चला आपने, 2 सेकंड चले आप, 3 सेकंड चले, 4 सेकंड चले। अब 4 सेकंड के बाद जो आप सेकंड चलने वाले हैं उसको आप क्या करें, 5th सेकंड, मीन दैट 5 सेकंड पूरा पूरा माइनस उसमें से 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, 5 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया माइनस 4 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मतलब 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और 4 सेकंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों को जब घटाओगे तो तुम्हें मिलेगा 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, टी सेकंड और टीएथ सेकंड दोनों में डिफरेंस है। अगर आप सो सिंपल कहता है कि डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकंड, तो आप क्या फार्मूला यूज करते हैं, ST बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे कहता है कि डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकंड, तो इसमें क्या लगाएंगे, U प्लस A बाई 2, 2T माइनस 1, 2T माइनस 1। अब ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर T सेकंड में कहता है, T सेकंड मतलब सर 0 से लेकर T सेकंड जितना आपसे कहा है, अगर TF कहता है तो TF का मतलब
सर जीरो से टी माइनस जीरो से टी माइनस वन दोनों को जब हटाओगे तब आपको मिलेगा टीएथ सेकंड। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ आया होगा टीएथ का मतलब। जैसे मैं कहता हूं कि चलिए बताइए सिक्स सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, सिक्स मतलब सर सेवन सेकंड में जितना चला माइनस सिक्स सेकंड जितना चला उसको घटाओगे तो आप क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट सिक्स सेकंड। और यही फार्मूला हम लोग बनाकर जो प्रूफ करके जो फार्मूला लेकर आते हैं इसको सॉल्व करने के बाद वो कितना आता है यू प्लस ए बाई टू टू टी माइनस वन। आपसे पूछता है कि डिस्प्लेस सिक्स सेकंड, तो सिंपल बेटा यू की कुछ वैल्यू पता होगा आपको क्वेश्चन में ए बाई टू और सिक्स मतलब टू इंटू सिक्स माइनस वन मीन्स इलेवन आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिंपल बताया कि डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकंड और डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकंड में क्या अंतर है, ये आपको समझ आया होगा। देखिए इसी प्रकार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा और इस पे ढेर सारे सवाल भी हम सॉल्व करेंगे।